नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बबीता टिप्स में स्वागत है। मैं आज एक ऐसे महात्मा, संत और महापुरुष पर अपना वक्तव्य देने आई हूँ जो पाप से तो घृणा करते थे पर पापी से नहीं, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर अपना दूसरा गाल भी आगे कर देते थे, जिनके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही फरमाया, मैं अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर रही हूँ। अगर आप गांधी जयंती के अवसर पर किसी भी समारोह में भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा लिखी गई इस भाषण को पूरा अवश्य सुनें। मुझे उम्मीद है ये भाषण आपके लिए मददगार साबित हो, तो लाइक के बटन पर हिट करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें तथा मेरे आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रिय शिक्षकों और मेरे सहपाठियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आज गांधी दिवस के इस शुभ अवसर पर मुझे आपके समक्ष दो शब्द कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी इकट्ठा होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गांधी जयंती केवल अपने देश में ही नहीं मनाया जाता है बल्कि अहिंसा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, क्योंकि वह अपने पूरे जीवन भर सत्य और अहिंसा के एक पथ प्रदर्शक भी थे। यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी का योगदान कितना बड़ा है। मेरे इस बात से आप में से शायद ही कोई इनकार कर सकते हैं। साधारणतः हम महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जानते हैं। उनके महान चरित्र और व्यक्तित्व के विषय में इतनी भी बात की जाए कम है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हालांकि बापू का जन्म देश के बहुत छोटे शहर में हुआ था, परंतु उनके कार्य बहुत महान थे जिनको पूरे विश्व में फैलने से कोई नहीं रोक सका। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश शासन से अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाने में भरोसा रखते थे। वह सन 1900 में भारत के सबसे महानतम स्वाधीनता सेनानियों में से एक थे। देश और समाज के भलाई के लिए उन्होंने वकालत जैसे प्रतिष्ठित पेशे को छोड़ने में भी संकोच नहीं किए। स्वाधीनता संघर्ष में उनके योगदान को किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है और ना ही इसे शब्दों में बयां किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि बापू ने शहीद भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, लाला राजपत राय और दूसरे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वह कई बार जेल भी गए लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं खोए और शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई को जारी रखे। उनका पूरा जीवन देशभक्ति, समर्पण, अहिंसा, सादगी और दृढ़ता का आदर्श उदाहरण है। गांधी जयंती भारत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गांधी को याद करने के लिए मनाई जाती है, जिन्होंने हमेशा सभी धर्मों और समुदायों को एक नज़र से सम्मान दिया। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम आज भी प्रसिद्ध है। सरकार के द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में सभी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय आदि पूरे देश में बंद रहते हैं। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी को प्राप्त करने में बहुत संघर्ष किया। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के लिए आज़ादी प्राप्त करने के अहिंसा के अनोखे तरीके के केवल पथ प्रदर्शक ही नहीं थे बल्कि उन्होंने दुनिया को साबित किया कि अहिंसा के पथ पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से भी आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। वह आज भी हमारे बीच शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। मेरे इस वक्तव्य को इतने धैर्यपूर्वक सुनने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई का शस्त्र लेकर और अहिंसा का अस्त्र लेकर तूने देश बचाया अपना, गुरु को दूर भगाया, दुश्मन से प्यार किया, गांधी करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्रेम सुमन। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी।